व्हाट्सअप गाइस, तो ये वीडियो आ रही है पूरे 2 महीने बाद, क्योंकि मैं बॉम्बे गया था 31 को। तो वहाँ क्या हुआ कि है ना, मैं वीडियो डालना यहाँ भूल गया, 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम थे, तो अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा है ना कि ट्रेन के अंदर है ना लॉकडाउन बाद क्या है ना चेंज हुआ है, क्या रूल हुए हैं, और है ना ट्रेन के अंदर क्या असर पड़ा है रेलवे, इंडियन रेलवे पे, पूरे इंडियन रेलवे पे, क्योंकि ट्रेन के अंदर है ना बहुत कम पैसेंजर हो गए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंडिंग तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, घर से निकल चुके हैं, तो अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से है ना बॉम्बे की ट्रेन पकड़ेंगे, बांद्रा एक्सप्रेस। सो गए, ट्रेन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रेन पूरी पूरी खाली है। तो इस वीडियो के अंदर देखिए, आपको ट्रेन पूरी खाली खाली दिखाई देगी। तो गाइस, ये आपको नहीं पता हो तो ये मैं बता देता हूँ आपको। एक डब्बे में दूसरे डब्बे में जाने का रास्ता 20 का होल है ये, जिसे एक डब्बे से हम दूसरे डब्बे में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पर्दे वर्दे सारे हटा दिए गए हैं, लेदर की सीटें वही की वही हैं, और है ना तकिए और कंबल आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से। और ये लाइट है ना बुक पढ़ने के लिए, जो कि आप चला के बुक पढ़ सकते हैं, और कोई और डिस्टर्ब नहीं हो बड़ी लाइट से। तो गाइस देख सकते हैं आप, लेदर की सीटें हैं और पर्दे सारे हटा दिए गए हैं, और तकिए भी नहीं, आपको सब लेके जाना है। अब वॉशरूम की बात कर लेते हैं, तो वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप। JQR का नल लगा रखे हैं इन्होंने, वो थे ब्रांडेड, और हर ट्रेन में अब कैमरे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, और देख सकते हैं मॉर्निंग का सीन है, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा पूरा डब्बा खाली, कोच के कोच खाली है, क्योंकि है ना लॉकडाउन बाद बहुत ही कम पैसेंजर आ रहे हैं ट्रेन में, डरते हैं क्योंकि कोरोना काल की वजह से। तो गुजरात बॉर्डर आ चुकी है, गुजरात बॉर्डर आती ही सबसे पहले आती है साबरमती नदी। तो आप देख सकते हैं साबरमती नदी कितनी लंबी है, तो ये सीधी जाती है समुद्र में जाके मिल जाती है। और साबरमती के जस्ट बाद आता है सूरत, तो देख सकते हैं ये सूरत का रेलवे स्टेशन, और सूरत के और वापी के बाद देना बॉम्बे की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप, मुंबई की बॉर्डर स्टार्ट हो गई महाराष्ट्र की, देख सकते हैं आप कितना बड़ा समुंदर है ये, जहाँ तक आपकी नजरें जाती वहाँ तक समुंदर ही समुंदर है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मुंबई में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है बहुत ही कम जगह में, तो यहाँ से मुंबई स्टार्ट हो जाता है, मुंबई की मेन सिटी।
वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आप भी है ना पहले सारे कंफर्मेशन पता कर ले, और आपके है ना मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ट्रेन की जर्नी करने से पहले कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।